महाराजगंज जिला हिंदू वन देवी, बौद्ध विरासत और मुस्लिम मस्जिदों का आध्यात्मिक केंद्र है। राम ग्राम स्तूप को उन 8 स्थानों में से एक कहा जाता है जहां बुद्ध के शरीर के अवशेष उनके दाह संस्कार के बाद रखे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और अवशेषों को 8 राज्यों में वितरित किया गया। इनमें से प्रत्येक राज्य ने बुद्ध के अवशेषों को अपने स्तूप में दफनाया। रामग्राम कोलीय साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बुद्ध के ऐसे 8 अवशेषों में से यह एकमात्र पूर्ण अष्ट धातु है। यह रामग्राम की 7 पुष्करणियां हैं। देवदा कोली साम्राज्य का प्राचीन शहर था। यह भगवान बुद्ध की माता महामाया का जन्मस्थान था। वर्तमान समय में यह महाराजगंज में नौतनवा तहसील के बनारसिया कला और बनारसिया खुर्द में विभाजित है। सन 1978 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ 88.8 एकड़ जमीन की रक्षा की और हर तरह के निर्माण और खनन पर रोक लगा दी। इस जगह पर महाराजा अंजन का महल, 2 स्तूप, 1 सुंदर और दर्शनीय पुष्करणी और 200 कुएं हैं। इसमें सम्राट अशोक की शिलालेख, श्री कालीगम का स्तंभ और कई अन्य टीले और तालाब हैं। सोनाड़ी देवी मंदिर महाभारत काल की आस्था धार्मिक मान्यताओं की वन देवी हैं। बरगद के पेड़ के 1000 साल के इतिहास के साथ यह पेड़ विभिन्न शाखाओं पर लटका हुआ है। यह एक ऐसा शांतिपूर्ण गंतव्य है जिसके चारों ओर हरियाली है। चौक में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर को नाथ परंपरा की छावनी कहा जाता है। गोरखनाथ नाम मध्ययुगीन संत गोरक्षनाथ 11वीं शताब्दी से लिया गया है। एक योगी जिसने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और कई ग्रंथों को लिखा जो नाथ संप्रदाय के सिद्धांत का एक हिस्सा है। मकर संक्रांति को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे क्षेत्र से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करता है और शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में माना जाता है। बुकड़ा माई मंदिर कटहरा मंदिर एक शिव मंदिर है और शिवरात्रि को बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नूरी मस्जिद इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन मिश्रण का एक खूबसूरत मस्जिद है। लोग यहाँ रोजाना नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। लहड़ा देवी मंदिर इटहिया मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।